दुनिया में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर रूहों का वास होता है। कभी कभी कुछ लोगों ने इन्हें महसूस किया है, लेकिन इंसानी स्वभाव या तो बहुत जल्दी ही किसी बात को मान लेता है, या तो किसी डर की वजह से जिंदगी भर एक हकीकत से मुंह मोड़े रहता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टनल के बारे में, बताया जाता है कि जहाँ रूह का इतना खौफ है कि यहाँ इंसान माचिस की एक तीली जलाने मात्र से कांप उठता है। स्क्रीमिंग टनल, जैसे कि नाम से ही आपको आइडिया हो गया होगा कि इस टनल का खौफ कितना भयानक होगा। यह टनल कनाडा के ओंटेरियो के नियाग्रा फॉल्स के पास स्थित है। इस टनल का निर्माण ग्रैंड ट्रैक रेलवे लाइंस के बिल्कुल नीचे किया गया था, जो कि उस इलाके में पानी के बहाव को पास के खेतों की तरफ मोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता था। इस टनल को सन 1900 में बनवाया गया था। यह टनल लगभग 16 फीट ऊंची है और 120 फीट लंबी है। टनल के निर्माण के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद ही एक ऐसा हादसा हुआ जिसने आसपास के लोगों को हिला कर रख दिया। इस टनल के आसपास उस वक्त कुछ खास आबादी नहीं थी और इस टनल में हमेशा पानी भी नहीं भरा रहता था। जब पानी बढ़ जाता था तब इस टनल का प्रयोग किया जाता था। उस समय इस टनल में कई हादसे हुए, जिनमें से एक हादसा ऐसा था जिससे आज भी ओंटेरियो उबर नहीं पाया है। यह उस समय की बात है जब इस टनल में पानी नहीं था। उस समय टनल के दक्षिण तरफ एक लकड़ी का घर था। उस घर में एक बाप बेटी रहा करते थे। उस समय टनल के पास बहुत तेज हवा चल रही थी और चारों तरफ भयानक अंधेरी रात थी। इसी दौरान उस मकान में अचानक आग लग गई। उस समय घर में वो लड़की अकेले ही अपने पिछले कमरे में थी। हवा का रुख भी उसी तरफ था और देखते देखते आग ने पूरी तरह उस मकान को अपने आगोश में ले लिया। जब लड़की को आग का पता चला तो वो घर के पिछले हिस्से से भागने के लिए उठी, लेकिन तब तक आग ने भयानक रूप धारण कर लिया था और मकान का एक हिस्सा उस लड़की के ऊपर आ गिरा। लड़की किसी तरह वहां से भागी, लेकिन उसके कपड़ों में आग पकड़ चुकी थी। लड़की खुद को बचाने के लिए टनल की तरफ भागी ताकि वो टनल के पानी में कूद सके, लेकिन जब तक वो टनल तक पहुंची वो बुरी तरह जल चुकी थी और जब उसने टनल में छलांग लगाई तो सीधे जमीन पर आ गिरी, क्योंकि टनल में उस समय पानी नहीं छोड़ा गया था। आग से बुरी तरह लिपटी हुई उस लड़की की चीखें उस इलाके में गूंज गई। उस लड़की की चीख इतनी भयानक थी कि आसपास के कई लोग वहां आ पहुंचे और टनल के ऊपर से आग से लड़ती हुई उस लड़की को देखते रहे, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं की और आखिरकार आग से हार कर उस जवान लड़की ने वहीं पर दम तोड़ दिया। इस हादसे के अलावा भी एक और हादसा इस टनल में हुआ। ये हादसा भी एक युवती के साथ ही हुआ। टनल के आसपास के लोगों का मानना है कि एक बार रात में कुछ वैश्य दरिंदों ने एक लड़की के साथ इस टनल के अंदर सामूहिक बलात्कार किया था। इतना ही नहीं, बलात्कार करने के बाद उन दरिंदों ने अपनी करतूत छिपाने के लिए उस बेचारी लड़की के ऊपर तेल डालकर उसे जला दिया था। लोगों का कहना है कि उस समय वो लड़की भी बहुत जोर जोर से चीख रही थी, लेकिन आसपास के लोग पुराना हादसा देखे थे और उन्हें लगा कि शायद उसी लड़की की रूह चीख रही है। सुबह जब लोग टनल के पास गए तो देखा कि एक लड़की का अधजला शव जमीन पर पड़ा था और टनल की दीवारों पर उस लड़की के चढ़ने के निशान भी मौजूद थे। तब से लेकर आज तक उस टनल के आसपास रात में गुजरने से भी लोग डरते हैं। लोगों का कहना है कि आज भी रात में कोई उधर से गुजरता है तो टनल के अंदर से सिसकने और शरीर के जलने जैसी बदबू आती है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी टनल में रोशनी करता है तो उन दोनों ही लड़कियों की रूहें परेशान हो जाती है। आज भी उन दोनों रूहों को लोग महसूस करते हैं। इस समय भी यदि आप टनल के बीचों बीच जाकर एक माचिस की तीली जलाते हैं तो एक भयानक चीख आप आसानी से सुन सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। ऐसा करने के दौरान आपकी जान पर भी बन सकती है। कहा जाता है कि कुछ गाँव वालों ने टनल से जलती हुई लड़की को भागते हुए देखा है। बाद में इस जगह पर कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई,
लेकिन वो सिर्फ दिन में ही शूटिंग करते थे, रात के समय यहाँ पर जाने की कोई भी हिम्मत नहीं करता है। तो ये थी स्क्रीमिंग टनल की पूरी हकीकत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।